फ्रेंड्स, माय नेम इज दाहोरस एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल होम्योपैथिक दवाखाना। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक क्रीम के बारे में, जो कि रिलेटेड है एक्ने पिंपल्स वाली प्रॉब्लम से। जिनके भी चेहरे पे दाने हैं, जो लोग चेहरे पे दाने से सफर कर रहे हैं, तो फ्रेंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉडी में कहीं और अगर दाने निकल आते हैं तो हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, बट अगर फेस पे दाने या फिर एक्ने या पिंपल्स देखने को मिलते हैं तो फिर वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, क्योंकि फिर हमको कहीं ना कहीं लुक्स में सफर करना पड़ता है। तो फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं जो एक्ने पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, क्या हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करना चाहिए जो हम एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम से बच सकें। तो फिर चलिए हम बात करते हैं एक्ने पिंपल्स क्रीम की और इसके बारे में क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या कॉजेज हैं जो कि एक्ने पिंपल्स हमारे हो जाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एक्ने और पिंपल जैसे कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो पहले तो आपको फ्रेंड्स जंक फूड का परहेज करना चाहिए, यानी कि बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, मोमोज हो गया, इस टाइप की जो फूड्स हैं इसका आपको परहेज करना चाहिए अगर आप एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। या फिर समटाइम्स फ्रेंड ये हार्मोनल थोड़ा बहुत इम्बैलेंस अगर बॉडी में होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा चीज का यूज करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पिज्जा खाते हैं या फिर चीज बर्गर जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब ओवरऑल मेन कहने का मतलब ये कि जो लोग चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर भी कह सकते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं एक्ने पिंपल्स होने के, या फिर उसको कहीं ना कहीं वो चीज प्रमोट करती है। इसी के साथ साथ चॉकलेट का भी बहुत ज्यादा यूज अच्छी बात नहीं है अगर आप एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि ये कुछ कॉमन जैसे कि कह सकते हैं कॉजेज हैं एक्ने और पिंपल्स होने के, और भी बहुत सारे जेनेटिक कह सकते हैं और भी बहुत सारे कॉजेज हैं एक्ने और पिंपल्स जिसके चलते हो सकते हैं, या फिर हाइजीन ना मेंटेन होने की वजह से भी जो लोग बिल्कुल मुंह नहीं धोते हैं एकदम, या फिर प्रॉपरली अपने फेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, उनमें भी ये एक्ने और पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर जैसे कि ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि एक्ने पिंपल्स कॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रीम के बारे में बात करें तो एक्विफोलियम क्रीम है जो कि एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम के लिए यूज होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। फेस पे और कहीं पे भी अगर आपके दाने हैं, जैसे कि छोटे छोटे दाने हैं या फिर उसमें पस देखने को मिलता है, यानी कि कुछ दिन बाद जैसे कि मान ली पहले तो छोटे थे उसके बाद फिर बड़े हुए और पस और हल्का फुल्का पेन भी देखने को मिलता है, तो अगर फ्रेंड्स आप इस क्रीम का रेगुलर यूज करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, या फिर छोटे छोटे दाने या फिर फेस पे जैसे कह सकते हैं कि रेडनेस रहती है, या फिर जैसे लगता है कि इन्फेक्टेड हो गया, एलर्जी वाली कंडीशन, जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें पस भी नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन से भी अगर आप सफर कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये क्रीम का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड क्रीम के साथ साथ आपको अपनी चीजों में लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि जो चीजें मैंने आपको बताई जैसे कि जंक फूड यानी कि बाहर के खाने को ही कह सकते हैं अवॉइड करना होगा, आपको बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी नहीं खाना है, जंक फूड भी आपको कोशिश यही करना है कि ना लें तो बेहतर ही है। इसी के साथ साथ फ्रेंड चॉकलेट का भी यूज कम करना होगा, डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज हो बेहतर यही है कि थोड़ा सा कम करें, और पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा पानी पिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, ये बात थी एक्विफोलियम क्रीम के बारे में। अगर आप एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, चेहरे पे अगर आपके दाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इससे मतलब आप निजात पाना चाहते हैं तो आप इस क्रीम का यूज करें। जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे आप इस क्रीम को 2 से 3 बार दिन भर में लगाएं। तो फ्रेंड्स बाकी और जो मैंने आपको चीजें बताई इनका भी आप ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिए और जो चीजें अवॉइड करने को कही गई हैं वो चीजें अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।